हेलो व्यूवर्स, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा लेसन होगा क्लास फाइव के लिए विंग्स सपोर्ट मटेरियल इंग्लिश क्लास फाइव फॉर हिंदी मीडियम स्टूडेंट। इसमें से आज कुछ रिवीजन लेसन्स करते हैं, तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज की हमारी एक्टिविटी स्टार्ट होगी चेकिंग बैग के साथ। आइए चेक बैग करते हैं। ए नाउन इज़ अ वर्ड यूज एज द नेम ऑफ अ पर्सन प्लेस और थिंग। हिंदी में भी बताया गया है नाउन वह शब्द है जो किसी व्यक्ति स्थान या वस्तु को प्रकट करता है। यह थिंग करने का अर्थ कोई कुछ है जिसके बारे में हम सोच सकते हैं। प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ सम पर्टिकुलर पर्सन और प्लेस। किसी विशेष व्यक्ति या स्थान के नाम को प्रॉपर नाउन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मीता, अकबर, सिराज, पीटर, कोलकाता, बॉम्बे, दिल्ली। देखिए ये सारे नाम हैं, एक विशेष व्यक्ति या स्थान के नाम को प्रॉपर नाउन कहते हैं। नाउन का ये पहला प्रकार है प्रॉपर नाउन। आइए आगे देखते हैं। कॉमन नाउन। कॉमन नाउन इज अ नेम गिवन इन कॉमन टू एवरी पर्सन और थिंग ऑफ द सेम क्लास और काइंड। प्रत्येक व्यक्ति या वस्तु या एक ही प्रकार के या एक ही श्रेणी के उन्हें साधारण भाव से प्रकट करने के लिए कॉमन नाउन व्यवहारित होता है। कॉमन का अर्थ होता है या सभी के लिए। फॉर एग्जाम्पल गर्ल, बॉय, रिवर, सिटी, कंट्री। देखिए बहुत सारी लड़कियां हो सकती है, ये किसी विशेष लड़की के बारे में नहीं है, इसीलिए ये सारे क्या है कॉमन नाउन। ए वर्ड दैट इज यूज इंस्टीड ऑफ अ नाउन इज कॉल्ड अ प्रोनाउन। नाउन के बदले जो शब्द व्यवहार होता है उसे हम प्रोनाउन कहते हैं। यहाँ तक हमने नाउन के बारे में जाना, उसके दो प्रकार जाने, प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन। अब यहाँ हम प्रोनाउन के बारे में जान रहे हैं। आई, यू, ही, वी, दे आर कॉल्ड पर्सनल प्रोनाउन। देखिए ये सारे प्रोनाउन हैं और ये पर्सनल प्रोनाउन्स हैं, प्रोनाउन का एक प्रकार है ये। आई, यू, ही, वी, दे ये सभी व्यक्तिगत सर्वनाम हैं। नाउन की जगह पे आई, यू, इन सबको जब हम यूज़ करते हैं इन सबको कहते हैं प्रोनाउन, और आई, यू, ही, वी, दे आर पर्सनल प्रोनाउन। आइए एक्टिविटी सॉल्व करते हैं। सिलेक्ट द प्रॉपर नाउन एंड कॉमन नाउन फ्रॉम द हेल्प बॉक्स एंड पुट देम इन प्रॉपर कॉलम। देखिए मैंने किया है, हेल्प बॉक्स से प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन का अलग किया है। सहोली, दिल्ली, कालिदास, इकबाल, जापान ये विशेष है इसीलिए प्रॉपर नाउन में आए। ऑथर, विलेज, बुक ये कॉमन है, साधारण बोलचाल की भाषा में इनको इस्तेमाल किया जाता है इसीलिए ये कॉमन नाउन है। उम्मीद करती हूँ आप समझ पा रहे हैं। आइए अगली एक्टिविटी देखते हैं। एक्टिविटी 10, रीड द पैसेज अंडरलाइन द पर्सनल प्रोनाउन। देयर बस स्टार्टेड फ्रॉम चंदन नगर, देयर पर्सनल प्रोनाउन है। ऑन देयर वे द टीचर आस्क्ड देम, पर्सनल प्रोनाउन है। वेदर एनीवन हैड विजिटेड द बैंडल चर्च, मोस्ट ऑफ देम हैड नॉट सो दे रिमेन्ड साइलेंट, मीता वॉज एन एक्सेप्शन। सी, सेड विद एंथुसियाज्म, यस मैडम आई हैव विजिटेड द प्लेस बिफोर। ये सारे पर्सनल प्रोनाउंस हैं। आइए अगली एक्टिविटी करते हैं। फिल इन द ब्लैंक विद पर्सनल प्रोनाउन गिवन इन द हेल्प बॉक्स। यहाँ पर्सनल प्रोनाउन दिए गए हैं, उनकी मदद से इन्हें फिल करना है। आइए करते हैं। इसीता हैज क्लोज्ड हर बुक, इट इज हिज ओन हाउस। बृष्टि लव्स हर सिस्टर, आर वर्किंग हार्ड, दे आर वर्किंग हार्ड, इट इज देयर स्कूल। लर्न रविंद्र संगीत इन अ म्यूजिक स्कूल। सी लिख सकते हैं, ही भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। आर यू गोइंग टू स्कूल टुडे। आइए एक्टिविटी 12 करते हैं। रीड द फॉलोइंग सेंटेंस, अंडरलाइन द सिंगुलर नंबर एंड सर्कल द प्लूरल नंबर। सिंगुलर नंबर को अंडरलाइन करना है, प्लूरल को सर्कल करना है। देयर आर मेनी स्टार्स इन द स्काई, माय पेंसिल इज ब्लैक, देयर आर बफेलोज इन द फील्ड, ही हैज़ ए बुक इन हिज हैंड,
बेबीज क्राई व्हेन दे आर हंग्री, देवी बहुवचन है, इसे भी हम कर सकते हैं। ऐसे तो ही भी एक वचन है, प्रोनाउन भी है और एक वचन भी है। ट्रीज दे, ट्रीज हैव मेनी ब्रांचेस, ए फॉक्स हैज कॉट ए हैन। आइए अगली एक्टिविटी देखते हैं। एक्टिविटी 13 आज की वीडियो की आखिरी एक्टिविटी है, होगी ये। फिल इन द ब्लैंक विद सिंगुलर एंड प्लूरल नंबर, सिलेक्ट द वर्ड फ्रॉम द हेल्प बॉक्स। आइए इसे करके मिलते हैं। द बुक इज ऑन द टेबल, चिल्ड्रन लव चॉकलेट, लायंस रोर इन द फॉरेस्ट, कोपर रोट मेनी पोएम्स, द विंडो आर ओपन, फ्रूट्स आर फुल ऑफ विटामिन्स, मदर्स लव देयर चिल्ड्रन। यहाँ एक एक्स्ट्रा दिया गया है एप्पल। इसी के साथ आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है। उम्मीद करती हूँ वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल होगी। अगर हेल्पफुल है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना ना भूलें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें जिन्हें इनकी ज़रूरत है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।